मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 इंग्लिश मीडियम साइंस के पीरियड में एक बार फिर से तुम सब लोगों को वेलकम करती हूँ बेटा। एंड एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोग वीडियोस देख रहे होंगे और वीडियोस देख के टॉपिक बाय टॉपिक अपनी बुक से भी स्टडी कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द मॉलिक्यूल। Yesterday also we discussed about the molecule. कल भी हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था और मॉलिक्यूल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनका सिंगल एटम एक मॉलिक्यूल की तरह से बिहेव करता है। दीज आर कॉल्ड मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल एंड देर आर सम एटम्स इन देर आर सम मॉलिक्यूल्स इन विच टू एटम्स, थ्री एटम्स, फोर एटम्स और मोर देन फोर एटम्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दीज आर नोन एज द डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल एंड द पोलीएटोमिक मॉलिक्यूल। सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स, अबाउट द मॉलिकुलर मास एंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। कल जो हमने स्टडी किया था दोज मॉलिक्यूल्स वर ऑफ द एलिमेंट्स एंड टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। देखो बेटा H2O CO2 NH3, ये मैंने तीन कंपाउंड्स यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए H2O CO2 NH3। मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। मैं नाम लिख देती हूँ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये बात समझ में आई बेटा? देखो अमोनिया इज ए कंपाउंड, CO2 इज ए कंपाउंड एंड H2O इज ए कंपाउंड। ये तीनों के तीनों केमिकल कंपाउंड्स हैं। केमिकल कंपाउंड हम किसको कहते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं और उन एटम्स की डिफरेंट रेशियो होती है बट फिक्स्ड रेशियो होती है। दीज आर कॉल्ड केमिकल कंपाउंड्स। और केमिकल कंपाउंड का अगर एक केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, ये वाली लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, दिस इज केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि किसी कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला उसके एक मॉलिक्यूल के बराबर माना जाता है, टेकन इक्वल टू एज वन मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर हुई बेटा? अच्छा, अब मॉलिक्यूल के बाद हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। वी वांट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, पहले तो ये पता करना जरूरी है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट
in the molecule. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मुझे पता होना जरूरी है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मुझे पता होना जरूरी है। अगर इन दोनों का एटॉमिक मास मुझे पता है तो मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकती हूँ। देखो एक टेबल मैंने एटॉमिक मास की तुम्हें बनवाई थी, वो टेबल बोर्ड पर बनाई थी और मैंने पिकबिक्स तुम्हारे पास भेजी थी, उसमें एटॉमिक मासेस है और तुम्हारे बुक में भी टेबल बनी हुई है। मैंने वहीं से एटॉमिक मास लिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, सो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जब हम टेबल से देखते हैं तो एटॉमिक मास का 16 पता चलता है, तो 2 + 16 = 18। अब आते हैं यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है 18। यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो द यूनिफाइड मास, जैसे एटॉमिक मास की यूनिट होती थी यू, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट होती है यू। सो 18 U, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18 U, U इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड इट इज यूनिफाइड मास। तो इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई बेटा तुम्हें, देखो मैं करके बता देती हूँ, एक का और करके बता देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल का ही मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे, CO2 इज द फॉर्मूला। कैलकुलेट करने के लिए हमें कार्बन का एटॉमिक मास पता होना जरूरी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना जरूरी है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 2 × 16, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 × 16 आ जाए। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 12 + 32 = 44 U, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब अमोनिया का तुम अपने आप कैलकुलेट करना कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है, गॉट इट बेटा। तो ये सिंपल मेथड है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एटॉमिक मास की टेबल लर्न होनी जरूरी है। एटॉमिक मास में किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास आता है वो अगर तुम्हें याद होगा तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना किसी भी मॉलिक्यूल का तुम्हारे लिए बहुत आसान है। देन कम टू द हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हमें ये कैसे पता चले कि किस कि जैसे H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम लगे हुए हैं, H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम लगे हुए हैं, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये पता लगाने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं बेटा, और ये टेबल तुम्हारी बुक में भी दे रखी है। ये टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टेबल के लिए टेबल में सबसे पहले आएगा एलिमेंट, एलिमेंट जिसका हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल उसके बाद हम लिखेंगे मास रेशियो, इसकी जो भी मास रेशियो है, मास रेशियो उसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में फिर कैलकुलेट करेंगे। इस कॉलम में हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास से मास रेशियो को डिवाइड करेंगे, मास रेशियो एटॉमिक मास से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मास रेशियो विल बी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास।
मास रेशियो, ये सेकंड वाला पार्ट मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगी सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो अब मैं H2O का मैं करके बताती हूँ। H2O में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। मास रेशियो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट की 1:8 आता है, ठीक है। ये हमें इनके एटॉमिक मास से पता है कि H2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जितना लिया हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जितना लिया हुआ है, उनकी मास रेशियो 1:8 आती है। या फिर ये तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। मैंने जहाँ से ये लिया है क्वेश्चन, हमारे बुक का एक्टिविटी में दे रखा है, एग्जाम्पल है, इसमें 1:8 दिया हुआ है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हमें मालूम है 1, ऑक्सीजन का हमें मालूम है 16। अब अगले कॉलम में हमें क्या करना है, 1:1 8:16, क्योंकि हमने मास रेशियो को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ठीक है। इक्वल्स टू 1 आया एंड इक्वल्स टू 1:2, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का की जो मास, ये सिंपल रेशियो आ रही है 1 आ रही है, ऑक्सीजन की 1:2 आ रही है। अब अगर हम होल नंबर रेशियो लेना चाहते हैं, कंप्लीट रेशियो लेना चाहते हैं, पूरे नंबर के फॉर्म में रेशियो लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके ये एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 2 एंड इट विल बी रिटन एज 1, ठीक है। तो अपने अब इसमें हम लगा देते हैं, तो सिंपलेस्ट रेशियो आई है, हाइड्रोजन लिखा मैंने, ऑक्सीजन लिखा मैंने, और ये नंबर इनके साथ लगा दिए। हाइड्रोजन का 2 नंबर आया, ऑक्सीजन का 1 नंबर आया, और 1 नंबर को हम लिखते हैं ये फॉर्मूले में, इसलिए मैंने H2O लिख के छोड़ दिया। तो H2O का फॉर्मूला क्या बना, वो जल का वाटर का फॉर्मूला क्या बना, H2O, ठीक है। कितने एटम आए हाइड्रोजन के, 2 एटम्स। कितने एटम आए ऑक्सीजन के, 1 एटम। ये बात समझ में आई बेटा? तो दिस इज द टेबल बाय विच वी कैन कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो, बाय विच वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड, बट द रिक्वायरमेंट इज वी मस्ट नो अबाउट द मास रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। क्योंकि एटॉमिक मासेस की टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दूसरी रिक्वायरमेंट अपनी एटॉमिक मास की है जो हम टेबल से ले सकते हैं, बट ये मास रेशियो अगर हमें दी हुई है तो हम डायरेक्टली किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब तुम्हारी बुक में पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो वो मॉलिक्यूलर मास तुम कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चंस का नंबर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, उन क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करोगे अपने आप, क्योंकि इस चैप्टर में अपना थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है, तो वो न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो न्यूमेरिकल फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्वेश्चंस का नंबर लिख रही हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पेज नंबर 40 पर, पेज 40 पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन, डायरेक्ट मेरे नंबर पे क्वेश्चन भेज देना, या मॉलिक्यूल का नाम लिख के भेज देना, तो मैं तुम्हें आंसर बता दूंगी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वीडियो में देख के तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस उसी तरह तुम्हें कैलकुलेट करना है। एक एटॉमिक मास की टेबल की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, और वो टेबल तुम्हारी बुक में भी बनेगी, तो अपनी बुक से देख के एटॉमिक मास की टेबल से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख जाओगे। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कोई नहीं दिया, ये सिर्फ आपको बताया है कि फॉर्मूला किसी केमिकल कंपाउंड का कैसे निकाला है। गॉट इट बेटा? सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर
अपने नेक्स्ट इसी चैप्टर में, क्योंकि लंबा चैप्टर है थोड़ा ये, इसी चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ. टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ.